हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मिल्क लिया है और मिल्क को हम स्लो गैस पे बॉईल कर लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा तो स्मेल आ जाती है, इसलिए बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो मिल्क हमारा बॉईल हो गया है, तो इसमें हम ये मैंने विनेगर लिया है, इसकी जगह आप जो है लेमन भी ले सकते हैं। तो मैं ये विनेगर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून 2 टीस्पून। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और फिर चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, देखेंगे ये फट रहा है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा और डालेंगे। जब तक कि ये वाटर ग्रीन ग्रीन ना हो जाए, पनीर जो है बच्चों को भी डेली देना चाहिए, बहुत ही प्रोटीन होता है उसमें, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा और विनेगर डाल रही हूँ, जब तक कि ये पानी अलग ना छोड़ दे। ग्रीन ग्रीन कलर का सा दिखेगा हमें, जब ये बिल्कुल अच्छे से फट जाएगा ना तो ग्रीन कलर का वाटर हो जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तो आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाटर ग्रीन ग्रीन सा दिखने लग गया है, तो हमारे ये पनीर बनके रेडी है। तो कोई भी ये इस तरह से क्लॉथ लेंगे, कपड़ा लेंगे और उसमें इसको छान लेंगे। ये मैंने छान लिया है और ये वाटर को हम फेंकेंगे नहीं आटा गूंथने में। ये बहुत ही प्रोटीन है इसमें, तो इसमें आटा गूंथने में वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। और ये हमने जो पनीर निकाला है उसमें हम जो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम करके और फिर इसको हम किसी इस तरह से प्रेस करके इसका थोड़ा वाटर निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, और इसको किसी हैवी चीज़ से दबा के रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद मैंने चेक किया है, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पनीर बनके रेडी हुआ है हमारा। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों बड़ों सबके लिए, तो डेली पनीर खाना चाहिए और बहुत ही हेल्दी है ये। तो आप देख सकते हैं कि घर पे कितनी इजीली हम पनीर बना सकते हैं, और डेयरी वाला तो बहुत ही पता नहीं कैसा होता है। तो आप घर पे बनाएं पनीर, और बहुत ही इजी भी है घर पे पनीर बनाना। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सॉफ्ट पनीर बनके रेडी हुआ है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।